ऑनर फर्स्ट है जी, और कितनी 25,000 चली हुई है, मात्र 25,000 मात्र। ये भी आपकी 2019 की मॉडल है, फर्स्ट मालिक की गाड़ी है जी, 9,000 के लमसम चली हुई है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे एक और गाड़ी देख सकते हैं, महिंद्रा की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहने वाली गाड़ी ये स्कॉर्पियो जी। हम मतलब गाड़ियों को एक्सचेंज हमारा काम ही है जी, हम पुरानी गाड़ियां लेके भी कस्टमर को दूसरी गाड़ी देते हैं जी। ये आप इंटीरियर देख सकते हैं दोस्तों, एकदम वेल मेंटेन गाड़ी है ये, 9,000 किलोमीटर ही चली हुई है और इसकी सीट की पॉलीथीन भी अभी नहीं निकली हुई है, काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आप इस गाड़ी को देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया मोटर कार पे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आज आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कार का बहुत ही ज़्यादा सुपर कलेक्शन। जी हां दोस्तों, आज मैं आया हूं आपके ही शहर कोरबा पे। आज दोस्तों मेरे साथ जुड़ चुके हैं शाहिद खान भाई, भैया आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे एक और गाड़ी देख सकते हैं, महिंद्रा की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहने वाली गाड़ी ये स्कॉर्पियो। जी हां दोस्तों, 20 साल से ये स्कॉर्पियो अपना मार्केट जमा के रखा हुआ है इंडिया पे। और खान भैया, ये स्कॉर्पियो जो है ये कब की मॉडल है और इसका क्या प्राइस है? ये भी आपकी 2016 की मॉडल है जी, और 70,000 के आसपास चली हुई है जी। ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ओनर फर्स्ट है। और क्या प्राइस कोट कर रहे हैं भैया? प्राइस जाएगा भैया इसका 8.25 का, 8.25 लाख रुपये, 8,25,000 का प्राइस इसका। 8,25,000 में दोस्तों ये आप स्कॉर्पियो देख सकते हैं, काफ़ी सही कंडीशन में है। मैं आपको टायर भी दिखाता हूँ, काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको टायर भी देखने को मिल रहा है। वेल मेंटेन गाड़ी मेरे को यहाँ पे लग रहा है। भैया के पास हर एक गाड़ी का मैं सेगमेंट देख पा रहा हूँ, काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको देखने को मिल रही है। ये चारों पावर विंडो के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगा और काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ मैं देख पा रहा हूँ गाड़ी। उसके साथ ही दोस्तों एक और गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है महिंद्रा की ही एक और एक्सयूवी, महिंद्रा की बुलेरो। ये महिंद्रा की जो बुलेरो है खान भैया, इसका क्या प्राइस है और मॉडल क्या है आप बताइए? ये आपकी भैया 2013 की मॉडल है, SLX मॉडल है जी, सेकंड टॉप बुलेरो में सेकंड टॉप मॉडल कहा जाता है इसमें जी। और ये आपका 65,000 लमसम चली हुई है जी हाँ। और प्राइस इसका जाएगा भैया आपका 4,75 का प्राइस इसका, 4,75। और मॉडल कब की भैया? मॉडल आपकी 13 की भैया, 2013 की। दोस्तों इसमें फाइनेंस भी हो जाएगा, क्योंकि अंदर आप 10 साल की कोई भी गाड़ी देखते हैं उसमें आराम से फाइनेंस हो जाएगा। और ये आपको 2013 की बुलेरो देख रहे हैं, मैं इसका इंटीरियर भी आपको दिखाता हूँ, आप एक बार इंटीरियर भी इसका देखिए। ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल के साथ आता है दोस्तों, काफ़ी सही कंडीशन में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये। यहाँ पे हर एक गाड़ी भैया के पास काफ़ी सही कंडीशन में गाड़ियाँ भैया के पास अवेलेबल है। चारों टायर आपको इसमें एकदम फ्रेश मिल रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी यहाँ आपको गाड़ी कोई। दोस्तों आप स्कॉर्पियो की भी इंटीरियर देख सकते हैं, स्कॉर्पियो भी काफ़ी वेल मेंटेन गाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2016 की गाड़ी है और काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और गाड़ी आप देख सकते हैं, महिंद्रा की बुलेरो एक और यहाँ पे है। और साथ ही भैया आप ये भी बताइए, जैसे कोई कस्टमर यहाँ से गाड़ी ले जाता है और उसको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आता है, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए आप लोग का क्या सपोर्ट रहता है भैया? हम यहाँ गाड़ी उनको बोलते हैं, यहाँ गाड़ी ले आइए, हम दिखवाते हैं अपने मिस्त्री को जी, कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्लियर हो जी हाँ, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के कस्टमर कोई मतलब का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, कोशिश यही हमारी कि कस्टमर खुश रहे जी, कस्टमर खुश है भैया तो हम खुश हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप यहां से कोई भी गाड़ी लेकर जाते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है भैया के पास से, एक आध दो महीने पे कोई आपको ऐसा दिक्कत लगता है कि मेजर इशू आ गया, तो भैया लोग के लिए यहां बैठे हुए हैं, भैया आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, वो गाड़ी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके देंगे। और साथ ही भैया ये भी आप बताइए, जैसे कुछ कस्टमर ऐसे रहते हैं जिनके पास पुरानी गाड़ी पहले से अवेलेबल है, वो अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ के और आपके पास जो गाड़ियाँ अवेलेबल है उसमें से ले जाना चाहें, तो वो भी एक्सचेंज आप करते हैं यहाँ पे? जी हाँ, हमारे पास ये काम ही होता है जी, हम मतलब गाड़ियों को एक्सचेंज हमारा काम ही है जी, हम पुरानी गाड़ियाँ लेके भी कस्टमर को दूसरी गाड़ी देते हैं जी, या कस्टमर के पास गाड़ी कहीं है तो वो वाला काम ही करते हैं अपन जी हाँ। अगर दोस्तों आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचना भी चाहते हैं तो भैया के पास आप बेच भी सकते हैं, प्लस आपको अगर अपनी पुरानी गाड़ी देके ही पुरानी सही कंडीशन में आप और गाड़ी देखना चाहते हैं तो वो भी भैया के पास अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों एक और भी आपको मैं ये बुलेरो जो दिखा रहा हूँ, ये इसका मॉडल और प्राइस क्या भैया वो आप बताइए? ये आपकी भैया मॉडल है 2014 की बुलेरो प्लस है जी, 9 सीटर गाड़ी है जी, और इसका प्राइस जाएगा भैया आपका 6,00,000 रुपये के लमसम प्राइस इसका, 6,00,000 रुपये का प्राइस में आपको मिल जाएगा ये। दोस्तों एक बार फिर बता दूं, सभी प्राइस ये नेगोशिएबल है, आप भैया के पास टेबल में बैठिए बात कीजिए, इसका प्राइस और कम भी हो जाएगा। इसका टायर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको टायर भी मिल रहा है, इसमें पाँचों टायर आपको अपोलो की नई मिल रही है। और साथ ही इसका मैं इंटीरियर भी आपको दिखाता हूँ,
इंटीरियर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको इंटीरियर भी देखने को मिल रही है। कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगा गाड़ी पे। आप एक बार विजिट कीजिए, आप अपना खुद यहाँ पे सामने खड़े होकर गाड़ी को देखिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए। आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप एक मिस्त्री भी लाइए, मिस्त्री से भी गाड़ी चेक करवा लीजिए, खुद ड्राइव करके देखिए, उसके बाद आप यहाँ से गाड़ी ले जा सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक और देख सकते हैं, ये भी बुलेरो है। भैया के पास बुलेरो का काफ़ी सुपर कलेक्शन है, बहुत सारे बुलेरो है, पिकअप है। आपको चाहे कमर्शियल के लिए चाहिए, हर एक गाड़ी का सेगमेंट भैया के पास मिलेगा। और भैया इसका मॉडल और प्राइस क्या है वो आप बताइए। ये भी मॉडल 2016 की है जी, फर्स्ट मालिक की गाड़ी है जी। और रेट जाएगा भैया इसका 5.5 का, 5.5 लाख रुपये में फर्स्ट ओनर गाड़ी आपको मिल जाएगी। और ये लगभग कितनी चली हुई भैया? ये चली हुई 65,000 किलोमीटर चली हुई है। और काफ़ी सही कंडीशन में मैं यहाँ पे गाड़ी देख पा रहा हूँ। हर एक गाड़ी का टायर काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। ये M2DI इंजन के साथ आती है दोस्तों, और काफ़ी वेल मेंटेन गाड़ी यहाँ पे मैं हर एक गाड़ी को देख पा रहा हूँ, सभी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक और गाड़ी आप देख पा रहे हैं, ये है टाटा की सफारी। चाहे आप इसे एक लग्जरियस का राजा कहें, चाहे आप इसे SUV में सबसे बेस्ट गाड़ी कहें, ये आज भी उतनी डिमांड है दोस्तों जितना ये पहले थी। हालांकि ये अभी बंद हो चुकी है, अभी फिर से टाटा सफारी न्यू लॉन्च होने वाली है दोस्तों। लेकिन आपको पुराने की गाड़ी की मज़ा लेना है तो ये टाटा सफारी काफ़ी अच्छे अवेलेबल आपको हो जाएगी। भैया इसका मॉडल और प्राइस क्या है वो आप बताएंगे। ये आपकी जाएगी भैया 2013 की मॉडल है जी, और 2.75 के आसपास रेट जाएगा इसका। 2013 का 2.75 रेट है दोस्तों, काफ़ी सही रेट में आपको देखने को मिल रहा है। और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है भैया? ओनर फर्स्ट है। फर्स्ट ओनर गाड़ी और लगभग कितनी चली हुई है? ये चली है आपका 55,000 किलोमीटर चली हुई है। 55,000 किलोमीटर में काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको गाड़ी देखने को मिल रही दोस्तों। और ये 2013 की है, इसमें भी अगर आप चाहें फाइनेंस के लिए तो आराम से इसमें फाइनेंस भी हो जाएगा। मैं इसका इंटीरियर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप इंटीरियर भी देख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको इंटीरियर भी मिल जाएगा, कंपनी फिटेड आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलने वाला है। और इसका पावर विंडो आपका चारों पावर विंडो के साथ आएगी। काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको गाड़ी देखने को मिल रही है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक और गाड़ी मैं देख पा रहा हूँ, टाटा की मैजिक है ये। और ये आप सवारी के लिए यूज़ करना चाहें तो काफ़ी अच्छे कंडीशन में यहाँ आपको गाड़ी मिल जाएगी। खान भी है, इसका क्या डिटेल है वो आप बताएंगे। ये भी आपकी 2019 की मॉडल है, फर्स्ट मालिक की गाड़ी है जी। 9,000 के लमसम चली हुई है, मात्र 9,000 चली है, मतलब इसका सर्विसिंग भी नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ है बिल्कुल। और भैया इसका क्या प्राइस कोट कर रहे हैं आप? ये भी आपकी जाएगी लमसम 3.75 के लमसम जाएगी। 3.75? और नई कितनी आती होगी भैया? नया 6 के लमसम का रेट है। दोस्तों एक बार बता दूं आपको, ये 2019 की गाड़ी है, लगभग इसे 2 साल हुए हैं और ये मात्र 9,000 किलोमीटर चला हुआ है। और आपको ये 3.75 के रेट में मिल जाएगी, जो आपको मार्केट में अगर आप नया लेने जाओगे तो 6.5 लाख के लगभग इसका रेट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको 3.75 में लगभग 50% हाफ रेट हो चुका है इस गाड़ी का। और काफ़ी सही कंडीशन, आपको मैं एक बार इंटीरियर भी दिखाता हूँ, आप इसकी सीट भी देखिए, इसका इंटीरियर भी देखिए दोस्तों। इसकी सीट की अभी पॉलीथीन भी नहीं निकली हुई है। कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिलेगा। ये आप इंटीरियर देख सकते हैं दोस्तों, एकदम वेल मेंटेन गाड़ी है। ये 9,000 किलोमीटर ही चली हुई है और इसकी सीट की पॉलीथीन भी अभी नहीं निकली हुई है। काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आप इस गाड़ी को देख सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों एक और भी आपको मैं महिंद्रा की गाड़ी दिखा दूं, ये पिकअप है। ये कमर्शियल यूज़ के लिए, चाहे आप जिस भी सेगमेंट में यूज़ करना चाहें, इसे काफ़ी दमदार गाड़ी है। आपको कहीं भी ऐसा कोई प्रॉब्लम लगेगा नहीं इस गाड़ी में, चाहे आप ख़राब रास्ते में चले, कोई भी इशू नहीं आता है इस गाड़ी पे। और खान भी है, इसका क्या मॉडल और प्राइस है वो बताएंगे। ये 2019 की मॉडल है जी, और प्राइस जाएगा इसका 7.5 लमसम में। 7.5? आप इसका टायर का ग्रिप भी देख सकते हैं, 7.5 लाख के रेट में ये गाड़ी आपको मिल जाएगा। और ये फर्स्ट ओनर है भैया? ओनर फर्स्ट है जी। और कितनी चली हुई है? मात्र 25,000 किलोमीटर चली है। जो भी इसका ऑपरेटर रहा है, जो इसका मालिक रहा है, वो काफ़ी कम यूज़ किया है इस गाड़ी को। और काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ पे वो देखने को मिल रही। साथ ही मैं इसका पीछे का चादर भी आपको दिखाता हूँ, आप इसका चादर भी देख सकते हैं दोस्तों। लोडिंग एरिया किस कंडीशन में यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी सही कंडीशन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। We'll be right back.
आपका बहुत ही ज़्यादा सुपर कलेक्शन।